तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि बकरी हमारी 1 महीने की 51 या 2 महीने की 51 हम कैसे पता करें, 3 महीने की हो जाती है 51 वो भी पता नहीं चलता हमें, तो इसी को लेकर के रिलेटेड आज हमारी नई वीडियो आई है। स्वागत है आप सभी का अपने साबरी गोट फार्म चैनल में। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो लाइक करके कमेंट कर दें। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे SMS भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है जो लोग नए बकरी पालते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती कि हमारी बकरी क्रॉस है तो उसके बाद में हम क्या करें, क्रॉस कब करवानी है, कितने टाइम के बाद करवानी है। ये सारी टॉपिक पे वीडियो हमारी पहले आ चुकी है। अब जो नया टॉपिक जो है वो आज का ये टॉपिक है कि हम पता करेंगे कि हमारी बकरी 2 महीने की 51 या 1 महीने की 51 किस तरह से होती है वो हम पता करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बकरी का हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी 51 है खाली है। तो सबसे पहला सिम्टम हमें ये देखना है, हमारी जब बकरी 51 हो जाएगी तो सबसे पहले हमें 1 महीने या 2 महीने की, 2 महीने की कम से कम बकरी हमारे को सिम्टम देने लगती है कि ये बकरी प्रेग्नेंट है। सबसे पहले उसकी पूंछ उठा के पीछे से देखेंगे तो पीछे की साइड में स्वेलिंग ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब ये नहीं, बिल्कुल मतलब थोड़ी बहुत उस पर सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, तो एक ये सिम्टम भी पता चलता है। और ये स्वेलिंग ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा टाइम के लिए हो, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है और ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पूंछ जब उठाएंगे हल्का सा, वो मतलब वो चीज़ नहीं है जो वो 3-4 महीने की जब वो पठिया थी बिल्कुल, तो उसमें जो एक चीज़ थी बिल्कुल ना के बराबर स्वेलिंग या थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले। और आज आप जब की बकरी 2-2.5 महीने की 51 है वो स्वेलिंग आप देखेंगे तो फोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसा कि अभी पिक में देख सकते हैं कि डे बाइज डे के हिसाब से, आई मीन मंथ बाई मंथ के हिसाब से इसमें पिक अपलोड की गई है, तो फिर इसमें किस तरह से चेंजेस आते गए हैं। दूसरी बात यह है जब आपकी बकरी क्रॉस हो जाएगी तो उसमें बकरी की बॉडी में, त्वचा में शाइनिंग बढ़ जाएगी। हालांकि मैं आपको ये पहली पठिया की बात नहीं बता रहा, कोई पुरानी बकरी होगी उसकी जब रौनक चली जाती है, शाइनिंग बॉडी की, बालों की चमक चली जाती है, तो फिर उसमें जो है बकरी क्रॉस होने के बाद वो वापस आ जाती है। ये भी एक पहचान होती है, भूख खुल जाती है। और थनों का साइज तो पुरानी बकरी ले चुकी होती है लेकिन नई बकरी अगर जो होती है उसकी शाइनिंग तो बरकरार रहती है पहली ब्याद में के तलक, पहली ब्याद तलक, लेकिन जब दूसरी ब्याद में जब उसका होता है तो ये रूटीन चलता है, शाइनिंग आती है जाती आती जाती। तो जब बकरी का अडर जो होगा पहली ब्याद की बकरी का, नई पहलवान बकरी का, तो उसका जो अडर जड़ जो होगी थन की वो थोड़ा सा ग्रोथ करने लगेगी। जो एक नॉर्मल जो होती है, नेचुरल जो होती है, वो बिल्कुल ज़रा ज़रा से होते हैं, जड़ होती नहीं है। जो अडर जो होता है अलग अलग लैंग्वेज में उसको बहुत चीज़ें बोला जाता है लेकिन मैं सिंपल सी बात उसकी जड़ बता रहा हूँ, बात ही ख़त्म। तो जो जड़ होती है वो थोड़ी सी ग्रोथ ले लेगी उसकी, और जो उसके निप्पल जो होते हैं, जो उसके थन जो होते हैं जिनमें से दूध काढ़ा जाता है, उनका साइज बढ़ने लगेगा, जड़ से ज़्यादा उसका साइज थनों का बढ़ने लगेगा। नेचुरल जो होती है 1 इंच से भी कम होती है नई पटिया की, लेकिन जब वो 51 हो जाती है ना तो 2 इंच के आसपास में पहुंच जाते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि उसके साइज थनों का बड़ा या नहीं बड़ा, और जब उसकी साइज थनों का बढ़ने लगेगा तो बस यही आपकी पहचान है कि बकरी ने दुम के पीछे से जो उसकी स्वेलिंग है, यूरिन पास करने की जो है जहाँ से डिलीवरी होती है उस जगह स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन आने लगेगी, और दूसरी जड़ उसकी बढ़ने लगेगी और थनों का आकार बढ़ने लगेगा। डे बाय डे नहीं, ये महीने के बाद में प्रोसेस चालू होगा, क्योंकि पहला महीना तो कन्फर्म यही करने में निकल जाता है कि हमारी बकरी अब 51 भी है या नहीं। 22 दिन लोग इंतज़ार करते हैं, महीने भर इंतज़ार करते हैं। तो हम इसी के ऊपर सेकेंड वीडियो अपलोड करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि बकरी हमारी 51 है या नहीं है ये बात हम 5 दिन में कैसे पता करें इसके ऊपर अपलोड होगी। तो हमें यही दो चीज़ें देखनी है, बकरी की स्वेलिंग और बकरी की थनों का आकार बढ़ना। दूसरी और तीसरी चीज़ ये, बकरी की जो है भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी, बकरी की खुराक बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अपने जिस हिसाब से जो खाएगी वो उसके शरीर को लगने लगेगा। हमें करना ये है उसको अच्छा फीड देना है
और अच्छे फीड के साथ में दाना भी चालू रखना है, मल्टीविटामिन की कोई सिरप टेबलेट ये भी आपको देना है। मिनरल मिक्सचर तो इनके लिए उम्र जीवन के लिए बांध दोगे वो बेहतर है, वो बेहतर है, वो बेहतर है, बस क्यों, क्योंकि 100 चीज़ों की एक चीज़ है मिनरल मिक्सचर। बाई चांस आपके फीड में कभी दाना मिस हो जाता है, मिनरल मिक्सचर पूरा करेगा ना उसका, आप बेफिक्र होके और उसको ऑयलिंग उसके 15 दिन में एक एक बार पिलाते रहिए। जब बकरी ब्याने से 15 दिन पहले हो तो उसको रोज डेली 20 ml सरसों का तेल या तिल का तेल आप उसे पिला सकते हैं, सबसे बेहतर है, डिस्टोकिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहलोन पटिया है, मेरा मशवरा ये है बकरा जितना छोटा हो उस बकरे से आपको क्रॉस करवानी है। हेवी बकरे नस्लदार बकरे के पास मत लेके जाइए आप, बकरी आपकी छोटी होगी, पहलोन पटिया होगी, उसकी कोशिकाएं अभी खुली नहीं होंगी, है ना, नई पहलवान पटिया होगी तो बकरा बड़ा होगा तो बच्चा भी बड़ा होगा, हैवी ग्रोथ का होगा, तंदुरुस्त बच्चा होगा। और पहली बकरी जो होती है पहलवान ब्याद की एक ही बच्चा देती है 90% ये केस में देखा जाता है, तो डिस्टोकिया ना हो। और जब बच्चा फंसेगा आप इतना एक्सपीरियंस रखेंगे नहीं, बकरी मर भी सकती है बच्चा निकालने के चक्कर में, और बच्चा नहीं निकलेगा आप हाथ डाल के निकाल नहीं पाएंगे तो वैसे भी वो आपकी बकरी मरेगी बच्चा भी मर जाएगा, आप दोनों चीज़ों से हाथ धो बैठेंगे। छोटे बकरे से आप करवा लीजिए कोई सा भी छोटा बकरा। और दूसरी बात, या तो बकरी का वजूद आपका इतना हो तो आप बड़े बकरी की तरफ जा सकते हैं, आप देसी बरबरी इन छोटी छोटी बकरियों का अगर काम करते हैं और आप इस पर पंजाबी हैदराबादी और बड़े बड़े कोटा ऐसे बकरों से करवाते हैं तो ये थोड़ी समस्या का विषय बन सकता है, ज़्यादातर देखा गया है और मेरे साथ हुआ है बकरी के साथ केस, तो मैं बता रहा हूँ छोटी बकरी से छोटे बकरे का मेल करवाएं, बड़ी बकरी से बड़े बकरे का मेल करवाएं अगर वो पहलवान है तो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन, और अगर आप हमें नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के जरिए। थैंक यू।